उन्नाव रेप पीड़िता की कार के एक्सीडेंट के मामले की जांच तेजी से पूरी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने शुक्रवार को रायबरेली पहुंचकर दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। सीबीआई की 6 सदस्यों वाली टीम ने उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता और उसके परिवार और वकील के साथ हुए हादसे का सीन रिक्रिएट कर घटना को समझने की कोशिश की। आपको बता दें कि पीड़िता की कार को ट्रक ने रॉन्ग साइड पर आकर टक्कर मारी थी, वैसे ही कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। हम उसी स्थान पे मौजूद हैं जहां बीते रविवार को पीड़िता की कार ट्रक से टकराई और आप देख सकते हैं लाइव रिक्रिएशन की मदद से कि सीबीआई की टीम लाइव रिक्रिएशन करवा रही है और रिक्रिएशन को देख करके पूरी तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ था जिसमें पीड़िता पूरी तरीके से घायल हो गई थी और उनके वकील भी पूरी तरीके से घायल हो गए थे, साथ ही चाची और उनकी मौसी की मौत हो गई थी। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि रिक्रिएट किया जा रहा है पूरे सीन को उसी तरीके से जिस तरीके से उस समय के हालात थे, पूरी ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है, कार का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और सीन को रिक्रिएट करके ये देखा जा रहा है कि उस समय किस तरह के हालात बने थे और साथ ही ये भी समझा जा रहा है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय कार और ट्रक किस सिचुएशन में थी और जिस तरीके से पीड़िता पूरी तरीके से घायल हो गई थी और उनके वकील भी घायल हो गए थे, उनकी चाची और मौसी की मौत हो गई थी। तो सीबीआई ये रिक्रिएट करके ये देखने की कोशिश कर रही है कि वो हादसा था या फिर किसी की सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि लगातार पीड़ित परिवार पूरी तरीके से इंजाम लगाया जा रहा है, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने ही ये पूरे मामले को करवाया है पूरी तरीके से, क्योंकि लोगों को मालूम था कि पीड़िता के साथ उस समय पे गाड़ी में कोई भी जो सिपाही उनके साथ मौजूद रहते हैं, जो अंगरक्षक मौजूद रहते हैं, वो उनके साथ मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये सोची और समझी साजिश हो सकती है जो आरोप लगाया जा रहा है। तो वही सीन को रिक्रिएट करके यहाँ पे सीबीआई ये देख रही है कि किसी के द्वारा ये सोची समझी रणनीति थी या फिर ये हादसा था। सीबीआई की टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में सीन को क्रिएट करके दुर्घटना को समझने की कोशिश की कि अगर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक को अचानक ब्रेक मारा जाए तो कितना नुकसान हो सकता है और कार से टक्कर लगने के बाद कार को कितना नुकसान पहुंच सकता है, उस समय क्या हालात बने होंगे उसे भी समझने की कोशिश की गई। सीबीआई की टीम ने ड्रोन कैमरे का भी सहारा लिया। ड्रोन की मदद से पूरे इलाके को फिल्माया गया, साथ ही उस जगह के फुटेज भी लिए गए जिस जगह ये पूरा हादसा हुआ था। उन्नाव रेप पीड़िता की कार के सड़क दुर्घटना के रिक्रिएशन पर रायबरेली की एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने जानकारी दी। टीम ने पुलिस और सीबीआई की ओर से दुर्घटना स्थल से उठाए गए साक्ष्यों को परखा और टक्कर मारने वाले ट्रक और पीड़िता की कार की तकनीकी जांच की। माना जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम ने जांच से जुड़े कुछ नए तथ्य भी हासिल किए हैं। आपको बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच के लिए 20 सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चूंकि इस मामले से जुड़ी सभी एफआईआर सीबीआई दिल्ली को ट्रांसफर कर दी गई है, लिहाजा टीम ने दुराचार कांड के समय माखी थाने में तैनात रहे पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ की। सीबीआई ने विशेष अदालत से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 5 आरोपियों और पीड़िता के चाचा से पूछताछ करने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता के चाचा से पूछताछ की अनुमति दे दी है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई रेप कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए माखी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया और दरोगा कामता प्रसाद से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। सीबीआई इन दोनों से कुलदीप सेंगर और अन्य की तरफ से मामले की लीपापोती करने और पीड़ित पक्ष पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने को लेकर बनाए गए दबाव के बारे में नए सिरे से पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक तत्कालीन एसपी से भी पूछताछ हो सकती है। सीबीआई उनसे ये समझना चाहती है कि घटना के बाद स्थानीय पुलिस की क्या भूमिका सामने आई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद उन्नाव रेप पीड़िता मामले और उसकी कार दुर्घटना के मामले में तेजी आ गई है और अब जल्द पीड़िता को इंसाफ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।